हेलो दोस्तों, इंद्रिय चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अकरम और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप हाथ से लिखने वाले वीडियो जो है कौन से सॉफ्टवेयर से और कैसे जो है आप वीडियो बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल। तो सॉफ्टवेयर की जो ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है स्पार्कल वीडियो स्क्राइब। तो ये सॉफ्टवेयर का फुल डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसकी प्राइस कितनी है, कहाँ से जो आपको लेना है। ओके, तो सारी डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन पर आप ज़रूर चेक करना। ओके, तो यहाँ पे जो है हमने ओपन कर लिया है वीडियो स्क्राइब को। तो सबसे पहले मैं जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया है तो उसमें से एक वीडियो मैं आपको प्ले करके बताता हूँ तो किस तरह के वीडियो जो है आप बना सकते हो। काफ़ी यूज़फुल है अगर आपका चैनल है या प्रेजेंटेशन अगर आप शो करना चाहते हो, वीडियो बनाना चाहते हो, तो आप आसानी से जो है इस सॉफ्टवेयर के जरिए जो है बना सकते हो। एकदम ईजी तरीका है इसके अंदर। ओके, तो मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हो ये अलग अलग पेज के हिसाब से जो है यहाँ पर काम करता है। तो देखिए मैंने इसे जो है प्ले कर दिया है। तो इस तरह से जो है आप वीडियो जो है यहाँ पे बना सकते हो। ये जो वीडियो मैंने बनाया था कुछ महीनों पहले, ECR इमिग्रेशन चेक रिक्वायर और ECNR इमिग्रेशन चेक रिक्वायर मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने बताया था इस प्रेजेंटेशन के बारे में, प्रेजेंटेशन के थ्रू। ओके, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे जो है आप इसे मतलब बना सकते हो, काफ़ी ईजी तरीका है। फिलहाल जो इसे स्टॉप करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं न्यू ऑप्शन पर। ओके, क्योंकि ये नया जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट आपको जो है यहाँ पे करना है, तो क्रिएट न्यू पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। तो एकदम यहाँ पे इजी, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे फोटो को यहाँ पे अगर आपको मतलब ऐड करना है तो यहाँ से जो है ऐड कर सकते हो। आपके कंप्यूटर के फोल्डर में भी होगा, वहाँ से भी जो है आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे svgstudio.com के भी जो फ़ोटो है जो काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर कलेक्शन काफ़ी अच्छे है यहाँ पर, और ये जो इनकी जो कलेक्शन है उससे अगर आप ऐड करोगे तो एकदम राइटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे रहेगी। मैं एग्जांपल यहाँ पे तोड़ कर बताता हूँ, जैसे कि एकदम हाथ से लिख रहे हो ऐसा जो है यहाँ पे फील होगा, लेकिन फ़ोटो में इतना ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आप खुद देख सकते हो ऐसा लग रहा है कि हाथ से जो है यहाँ पे पेंटिंग किया जा रहा है। तो ये इनकी जो स्टॉक फ़ोटो है वो काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर फ़ोटो जो है यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ जो मैंने पहले ऑलरेडी जो है यहाँ पर अपने फोल्डर में से यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे चेंज प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर आपको रखना है या मूव खाली रखना है तो मूव यहाँ से होगा। एनिमेशन मतलब कितना रखना है, हैंड कौन सा रखना है, यहाँ पे कलर सिचुएशन कितना रखना है, यहाँ पे हाथ देख सकते हो अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो कोई भी जो है यहाँ पे हैंड जो है आप ले सकते हो, चूज़ जो है यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे एनिमेशन की टाइम है, जितना कम कर दोगे तो उतना जल्दी फास्ट जो है यहाँ पे हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हो ये प्ले जो है यहाँ पे हो रहा है। थोड़ा सा और मैं अगर यहाँ से इसे कम कर दूँ एनिमेट को, तो जो है और काफ़ी फास्ट जो है ये काम करेगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी स्पीडली जो है ये ड्रॉ कर रहा है। ओके, तो ये जो है यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, ये कंप्लीट हो चुका है। आप टेक्स्ट को यहाँ पे करने के लिए दूसरा जो है ऑप्शन है, यहाँ से जो है आप टेक्स्ट को जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे नीचे आपको फ़ॉन्ट भी दिख रहा होगा, तो जैसा फ़ॉन्ट अगर आप चाहो चूज़ कर सकते हो, कलर आपको कौन सा लेना है वो भी जो है आप यहाँ पर नीचे से जो है चूज़ कर सकते हो। कोई भी कलर आपको जो भी पसंद हो यहाँ पर यस कर देंगे। और यहाँ पर इसको मैं साइड रख देता हूँ, इसी पेज के अंदर मैं इसे रखूँगा, इसलिए थोड़ा सा मैं इसे शॉर्ट कर देता हूँ इस फोटो को, क्योंकि मुझे इसी पेज के अंदर जो है ये दोनों रखना है। ओके, नहीं तो मैं ये पेज से जो है इसे हटा दूंगा दूसरे पेज पे अगर मुझे करना है। तो देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे ये पेज पे ही रखना है, इसलिए मैं इसे लॉक कर दूंगा। यहाँ पे लॉक का बटन यहाँ पर आपको मैं आपको बताऊँगा, देखिए यहाँ पर लॉक का बटन है, ये मैंने जो इसे लॉक कर दिया है, तो यही पेज पर जो है ये रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यही पेज के अंदर जो ये आ गया है। ओके, आप यहाँ पे फिर से जो मैं एक टेक्स्ट जो है यहाँ पे ले लेता हूँ, सबसे पहले मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ यहाँ से, जो स्टॉक फ़ोटो है svgstudios.com का, वहाँ से मैं एक फ़ोटो जो है यहाँ पे ले लूँगा, एक आदमी का यहाँ पे फ़ोटो ले लेता हूँ, उस पर मेरा नाम जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि मतलब शुरू होते ही वीडियो में लगे कि हाँ भाई हिंदी टेक चैनल में आपका स्वागत है, मेरा नाम है अकरम। फिर आगे की मतलब जो भी मतलब आपको लिखना है या बनाना है तो आप बना सकते हो। ओके, तो इसकी भी मैंने यहाँ पे एनिमेशन कम कर दी है और ये यहाँ पे कवर हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइड करके इसे जो है लॉक कर दूंगा, क्योंकि ये पेज पे जो है ये लॉक हो जाएगा
और फर्स्ट वाले पेज पे वो दोनों जो है यहाँ पे लॉक है। ओके तो ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फिर से जो मैं यहाँ पे इसको साइड करके एक टेक्स्ट जो है यहाँ पे ले लेता हूँ, मेरा नाम जो है यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके माई नेम इज़ अक्रम मलिक। यहाँ पे कलर चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे अवेलेबल फ़ोन्स यहाँ पे बता रहा है, इम्पोर्ट अगर करना चाहते हो फ़ोन और भी वो भी जो है आप यहाँ पे कर सकते हो, काफ़ी इजी तरीका है। ओके यहाँ पे जो है मैंने फ़ोन को जो है मेरा नाम जो है वो यहाँ पे ऐड कर लिया है, इसको भी लॉक कर देंगे। तो ये लॉक वाला जो है ऑप्शन है आप ध्यान रखें, तो अगर आपको सेम पेज पे रखना है तो आपको लॉक करना होगा, अगर आप एक से अलग पेज में अगर रखना है तो आपको लॉक नहीं करना है। ओके एक ही पेज पे अगर सभी रखना है तो आपको प्रेजेंटेशन देखिए ये जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे पोस्ट या मतलब थोड़ा सा रुक रहा है तो मैं पोस्ट को 0-0 कर दूंगा ताकि जो है डायरेक्टली मेरा नाम जो है यहाँ पे राइटिंग होना जो है स्टार्ट हो जाए। ओके तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। ओके और क्या करना चाहते हो यहाँ पे देख सकते हो, तो जूम एट एंड मतलब एंड में मतलब जूम हो जाता है, वो भी हटाना चाहते हो वो भी जो है हटा सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैं एक टेक्स्ट और ले लेता हूँ, हाउ टू ड्रॉ इन ए हैंड राइटिंग विथ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के जरिए बहुत सारे लोग जो है इस तरह के जो है वीडियो बनाते हैं, आप भी जो है बना सकते हो एकदम इजी तरीका, मैंने आपको बता दिया ट्यूटोरियल। और एक दो बार अगर आप बना लोगे तो ईजीली जो है आपको आ जाएगा। मैंने भी जब फर्स्ट ट्राई किया मैंने भी कोई से सीखा नहीं है, एक दो बार मैंने ट्राई किया ऑटोमेटिकली जो है मुझे जो भी मतलब पूरा जो फंक्शन है वो सब जो है आ चुका है। तो एकदम ईजी सॉफ्टवेयर है। ओके तो यहाँ पे और एक मैं यहाँ पे हैंड चूज़ कर लेता हूँ इसके लिए, मतलब एक क्रेयॉन्स मैंने जो है यहाँ पे चूज़ कर लिया है। तो आप कुछ भी जो है आप चूज़ कर सकते हो, अलग अलग ऑप्शन इसके अंदर आपको जो है मिल जाता है। ओके तो एंड के जो जूम हो जाता है वो मैं यहाँ पे पहले हटा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो इसको जो है पहले यहाँ पे बीच में कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पे इसे लॉक कर दिया है हमने, इसे प्ले करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो एंड में जो है ये जूम हो जाता है। जूम एट एंड जो ऑप्शन है उसे जो है अनटिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हट जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे जूम एट एंड है तो इसको जो है अनटिक कर लेते हैं। अब आप देखोगे तो जैसे मैं पूरा प्ले करूँगा तो ये नहीं आएगा, पूरा जो हमारा प्रेजेंटेशन था प्रेजेंटेशन वो पूरा नहीं आएगा, सिर्फ ये ही जो है शो करेगा। ओके तो यहाँ से जो है आप ट्रैक भी ले सकते हो, मतलब म्यूज़िक ब्राउज म्यूज़िक अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। फोल्डर से भी ऐड करना चाहो तो भी जो है आप कर सकते हो, यहाँ पे स्टॉक म्यूज़िक है वो भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको वॉइस ओवर करना है वो कर सकते हो। यहाँ पे पेपर का टेक्स्चर अगर आपको बदलना है कोई भी कलर आप रख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हैंड अगर आपको सेटिंग करना है वो जो है आप कर सकते हो। ओके तो एकदम इजी तरीका है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है और यहाँ पे सेव है। सेव अगर आपको ऑनलाइन करना है वो कर सकते हो, यहाँ पे यूट्यूब में करना है फेसबुक करना है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अपने फोल्डर में जो है कर लेंगे कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट जो है चूज़ कर सकते हो, क्लियरिटी कितनी चाहिए वो चूज़ कर सकते हो, फिर यहाँ पे जो आपको यस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे टाइम भी बता देगा, एस्टिमेट टाइम कितना है यहाँ पे 6-7 मिनट यहाँ पे बता रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे जो है हाथ वाले लिखने वाले वीडियो जो है बनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। ओके लाइक करना मत भूलना, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे ऐसे नए टेक वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हिंदी टेक।